हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते आदाब, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं तबस्सुम यूनुस खान, जलगांव से हमारे रिपोर्टर अतीक बागवान की खास रिपोर्ट। 20 नवंबर टीपू सुल्तान रहमतुल्ला अलैह श्रीरंगापट्टनम में मैसूर की सरजमी पर पैदा हुए। टीपू सुल्तान ने देश की आज़ादी के लिए 1700 ईस्वी में सबसे पहले भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों के खिलाफ मिसाइल का इस्तेमाल किया, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कर्नाटक के बढ़िया राजा के त्रावण कोण के जरिए से पिछड़े वर्ग और दलित महिलाओं को स्तन न ढकने के लिए जो कानून बनाया था, उनसे जंग करके उनको हराया और पिछड़े वर्ग दलित महिलाओं को स्तन ढकने का हक और अधिकार दिया। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए। आज 20 नवंबर टीपू सुल्तान रहमतुल्ला अलैह का जो है जयंती का प्रोग्राम, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे की तरफ से इस मौके पर पूरे भारत के अंदर टीपू सुल्तान का जो है जयंती का प्रबोधन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के अंदर, बहुजनों के अंदर एक चीज ये है कि हम जो हमारे टीपू सुल्तान जो बहुजन है, जैसे गांधी जी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर जो है हिस्सा लिया, देश को आज़ाद कराया, इनकी अगर हम पैदाइश देखें तो ये सब 1800 के अंदर जो है ये पैदा हुए, और इनसे 100 साल पहले जो 1700 के अंदर जो शख्स पैदा हुआ जिसने भारत देश के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, जिसका नाम है फतेह अली खान, जिसको हम टीपू सुल्तान कहते हैं, शेरे मैसूर कहते हैं, मेजाइल मैन कहते हैं। टीपू सुल्तान वो शख्स है जिसने जो है 1700 के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो है तलवार उठाई थी। आज हम लोगों को टीपू सुल्तान से ये सीख लेना चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर जुल्म हो तो हम जो है उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। जिस तरीके से टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के अंदर जो त्रावण कोर है, तो वहां का बढ़ियार राजा था, वहां उसने जो पिछड़े वर्ग के लोग और दलित बस्ती की जो औरतें थी उनके ऊपर ये कानून लगाया था कि वो अपने सीनों को, अपने स्तनों को जो है खुला रखे, वो ढाक नहीं सकती थी, ये कानून था। तो टीपू सुल्तान ने वहां के बढ़ियार बादशाह को भेजा, पैगाम भेजा कि ये जो जुल्म आप कर रहे हैं ये इसको बंद करना होगा, और पिछड़े वर्ग की और दूसरी औरतों को जो है स्तन ढकने का अधिकार आपको देना होगा। वो तैयार नहीं हुआ तो फिर टीपू सुल्तान ने उससे जंग की, और 700 से 800 जो थे, जो उसके अंदर तरावण कोर थे, जो पेशवा थे, जो आमतौर पर जो ब्राह्मण थे, वो 700 से 800 ब्राह्मण मारे गए, और वहां की औरतों को, पिछड़े वर्ग की औरतों को और दलित औरतों को उनके स्तनों को ढांकने का अधिकार दिया गया। तो ये वो बादशाह, तो जिस तरीके से टीपू सुल्तान ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसी तरीके से हम लोगों को भी चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने जिस तरीके से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, हम भी जो है उसके खिलाफ आवाज उठाए। हमारे पुरुषों, हमारे जो थे महापुरुषों ने नाच गाना, डीजे, रैलियां निकालना, इसके बारे में नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जब भी कोई जुल्म हो तो जालिम के खिलाफ हम सब इकट्ठा हो जाए। तो हमें इस जयंती के मौके पर यही कहना है कि हम हमारे महापुरुषों की चीजों को हमारी जिंदगी में लाएं, और रैलियां निकाल के, नाच गाना करके, डीजे बजा कर जो है, जिसका ये टीपू सुल्तान ने, ऐसे महापुरुषों ने भी मना किया है, हम इन चीजों को ना करें, बल्कि जालिम के खिलाफ जिस तरीके से हमारे महापुरुष जालिम के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए थे, जालिम के खिलाफ उन्होंने जो है एक जगह आए थे
और भारत देश के लिए उन्होंने जो है कुर्बानी दी थी, हमारे देश की मिट्टी के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए कुर्बानी दी थी। तो हमें भी चाहिए कि हम भी उस तरीके से जो है उनकी चीजों को हमारी जिंदगी में लाए। बादशाह, सौंफ, धना दाल, तिल, अजवाइन जैसे नेचुरल चीजों से बना, छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ, नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सास अब आपके पास। आनंद मुखवास के साथ अब 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए और फैमिली पैक में भी उपलब्ध।